भूतिया घटनाओं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और शैतानी ताकतों और शैतानी आत्माओं जैसी घटनाओं का खौफ हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में अवश्य होता है। कई लोग इन शैतानी आत्माओं को मानते हैं तो कई लोग इन शैतानी आत्माओं और भूतिया घटनाओं को सुनी सुनाई बातें कहते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनका प्रेत आत्माओं से सामना हुआ है और उन्हें उनके अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं है। आज हम मेक्सिको की एक बहुत ही डरावनी भयानक आत्मा के बारे में बात करेंगे जिसने एक वक्त मेक्सिको के हर बाग में जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ था। साथ ही इससे जुड़े एक हॉन्टेड गेम के बारे में बात करेंगे जिसे शुरू करना तो आपके हाथ में है लेकिन खत्म करना उस शैतानी ताकत के हाथ में था। दोस्तों, इस कहानी के भयानक सफर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं इस खौफनाक आत्मा की कहानी के बारे में। सेरा और सरीटा मेक्सिको में पली दो जुड़वा बहनें थी और ये दोनों जन्म से ही साथ रहने के कारण इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा लगाव और जुड़ाव था। जब ये दोनों बहनें स्कूल में थी तो इन दोनों बहनों ने स्कूल में होने वाले डांस परफॉर्मेंस में भाग लेने का फैसला किया। सेरा और सरीटा डांस कॉम्पिटिशन की बड़ी उत्सुकता के साथ तैयारी करती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बहनों को स्कूल में ही रुककर डांस प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया और दोस्तों ये दिन उन दोनों बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा मनहूस भरा दिन था। स्कूल के खत्म होने के काफी देर बाद उन दोनों बहनों को पता चला कि आज की डांस प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया गया है। सेरा घर जाने से पहले बाथरूम चली गई। जब सेरा बाथरूम में गई तो वहां पर मौजूद एक सफाई कर्मचारी ने सेरा को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी की और उसके साथ दुष्कर्म किया। सेरा ने अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन उस सफाई कर्मचारी ने वहां पर पड़ी एक लोहे की रोड से सेरा के सर पर मार डाला जिससे सेरा की वहीं पर मौत हो गई। बाथरूम से सेरा का काफी देर से नहीं लौटना सरीटा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। सरीटा सेरा को ढूंढती हुई जब बाथरूम जाती है तो वहां का नजारा देखकर सरीटा हैरान हो जाती है। ये सब देखकर सरीटा ने उसी लोहे की रोड से उस कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वहां पर पड़े एक पानी के ड्रम में उस कर्मचारी ने सरीटा का मुंह दबा दिया जिससे पानी में सरीटा का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह कर्मचारी उस सरीटा को वहीं पर बाथरूम में लटका देता है जिससे लोगों को लगे कि सरीटा ने आत्महत्या की और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि यह पूरा मामला मर्डर और आत्महत्या का है। इसमें सेरा और सरीटा के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और सरीटा ने सेरा को मार डाला। उसके बाद खुद सरीटा ने अपनी आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौका वारदात पर दो लॉकेट भी मिले थे जो सिक्कों से बने हुए थे और ये दोनों लॉकेट सेरा और सरीटा पहना करती थी। जब ये पुलिस को सिक्के मिले तो एक सिक्का हेड्स की तरफ था और एक सिक्का टेल्स की तरफ था। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद सेरा और सरीटा की आत्माएं उनके दोस्तों को दिखने लगी। और उनकी आत्माओं ने उनके दोस्तों को उनसे बात करने का तरीका बताया। सेरा और सरीटा ये कॉइन्स हमेशा अपने गले में पहना करती थी और पहली बार इन कॉइन्स की मदद से सेरा और सरीटा से बात की गई और फिर उनकी मौत का असली राज सामने आया और फिर मेक्सिको में यह बात फैलने लगी कि दो सिक्कों की मदद से एक गेम खेला जा सकता है जिसके जरिए आत्माओं से बात की जा सकती है। फिर धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल गेम, ये हॉरर गेम्स फेमस होते होते पूरे मेक्सिको में फैल जाता है और फिर पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको वो खेल खेलने का तरीका बताऊंगा लेकिन आपसे निवेदन है कि इस खेल को आप कभी ट्राई ना करें और ऐसे किसी खेल के चक्कर में कभी ना पड़े। इस खेल को खेलने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि आपको एक ही वैल्यू के दो सिक्के लेने होंगे और दो व्यक्तियों को आमने सामने बैठकर सेरा और सरीटा से इस खेल को शुरू करने की परमिशन मांगनी होगी और आगे फिर इस शैतानी खेल के अंदर इन सिक्कों को अपने कंधे के ऊपर रखना होगा और रख कर नीचे गिराना होगा। अगर नीचे गिराने पर इन दोनों सिक्कों के अंदर हेड्स आ जाता है तो आपको यह खेल खेलने की परमिशन मिल चुकी है और फिर आप सेरा और सरीटा की आत्माओं से सवाल जवाब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर दोनों सिक्कों के अंदर टेल्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको यह खेल खेलने की परमिशन नहीं है। आप इस खेल को खेलने के लिए दोबारा परमिशन मांग सकते हैं और सिक्का उछाल सकते हैं। अगर इस बार भी, दूसरी बार भी आपको ये सिक्कों के अंदर टेल्स मिलता है तो आपको उसी वक्त उस खेल को बंद करके वहां से भागना होगा क्योंकि परमिशन ना मिलने का मतलब है कि आप इस खेल को खेलने के लिए सही इंसान नहीं है। और अगर दोनों सिक्कों पर हेड्स आ जाते हैं तो आप सेरा और सरीटा की आत्माओं से कुछ भी सवाल यस और नो के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। हर सवाल पूछने के बाद आपको ठीक वैसे ही सिक्का उछालना है और यदि दोनों सिक्कों के अंदर हेड्स आ जाता है तो इसका मतलब आपके सवाल का जवाब यस है।
और यदि दोनों सिक्कों पर टेल्स आ जाता है तो इसका जवाब होता है कि ना। और अगर इन दोनों सिक्कों में एक पर हेड और एक पर टेल्स आता है तो सेरा और सरिता आपसे कहना चाहती है कि मैं भी। इसी तरह यह खेल चलता रहता है और इस खेल को आप खेल सकते हैं और सेरा और सरिता की आत्माओं से सवाल जवाब कर सकते हैं। दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन अब आता है इस गेम का सबसे खतरनाक पार्ट। जब आप इस खेल को खत्म करना चाहते हैं तब इस गेम का सबसे खतरनाक पार्ट शुरू होता है। अगर इस खेल को नियमानुसार खत्म नहीं किया गया तो आपको किसी न किसी की जान गंवाकर या खुद को पूरी तरह से मानसिक रोगी बनाकर ही इस गेम से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये खेल शुरू आपकी मर्जी से होता है और खत्म सेरा और सरिता की आत्मा की मर्जी से होता है। एक बार ये गेम शुरू कर देने के बाद खत्म भी सेरा और सरिता की आत्माओं से परमिशन लेने के बाद ही किया जा सकता है। इस परमिशन को लेने के लिए आपको सेम वैसे ही सिक्के उछालने होंगे और अगर इन दोनों सिक्कों के अंदर हेड्स आ जाता है तो आप उस खेल को खत्म करके जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि इन दोनों सिक्कों पर टेल्स आ जाता है तो आप इस शैतानी खेल को छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक आपके सिक्कों पर हेड्स नहीं आ जाता तब तक ये खेल निरंतर चलता रहता है, चाहे ये खेल एक दिन चले या एक साल या फिर जीवन भर, आप इस खेल को नहीं छोड़ सकते। इस गेम को खेलने वाले लोगों का दावा है कि इस गेम को क्विट करने की परमिशन बहुत कम लोगों को मिलती है। ये लोग सिक्के को उछालते रहते हैं और टेल्स टेल्स या हेड टेल्स आता रहता है। सिक्कों का यह सिलसिला कई घंटों और कई दिनों तक चलता रहता है, जिसका मतलब ये है कि सेरा और सरिता की आत्माएं चाहती है कि आप उनके साथ ऐसे ही उलझे रहें। गेम खेलने वालों का दावा है कि जब आप इस खेल को बिना परमिशन के बंद कर देते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें कई बच्चों को यह खेल खेलते खेलते मेंटल असाइलम जाना पड़ा। दोस्तों इस खेल को शुरू करने से पहले आपको और कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है। आपको इस खेल को खेलने की लोकेशन सेट करने से पहले यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वहां पर सिक्कों को खोने की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों गेम खेलने के दौरान किसी भी हालत में उन सिक्कों को नहीं घुमाना है और ना ही गंवाना है। अगर इन सिक्कों को आप घुमा या गंवा देते हैं तो आमने सामने बैठे लोगों को सेरा और सरिता एक दूसरे के रूप में नजर आने लगती है। और दोस्तों यदि आप इतने खुश नसीब हो गए और आपका लक चल गया और इस गेम से बाहर भी आ गए तो अभी जिंदगी पर आप उन सिक्कों को खर्च नहीं कर सकते। जिंदगी पर सेरा और सरिता की आत्माएं आपके साथ जुड़ी रहेगी। दोस्तों ये है सेरा और सरिता और उस हॉरर गेम की कहानी। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य इस गेम को खेलने की सलाह देना नहीं, सिर्फ मनोरंजन और जानकारी देना है। दोस्तों आपको सेरा और सरिता और इस हॉरर गेम की जानकारी और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों कमेंट में आप अपना फेवरेट गेम और फेवरेट खेल का नाम भी जरूर लिखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी, ये हॉरर गेम की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले किसी मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।